नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस ने विकराल समस्या पैदा कर दी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च तक पूरे देश और दुनिया में बंद है। ऐसे में शादी और समारोह भी नहीं, फूलों की डिमांड हो पा रही है। फूल की खेती करने वाले किसानों के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं। किसान फूल तोड़कर उम्मीद के साथ मंडी में लेकर जाते हैं, परंतु मंडी में फूल छोड़कर किसान वापस आते हैं क्योंकि उन्हें रेट नहीं मिल पा रहा। किसान बोले, कोरोना ने बर्बाद कर दिया, बिक जाए तो फूल, नहीं तो यह धूल के समान है। कोरोना कर्फ्यू से किसानों की बर्बादी हो रही है और फूलों की फसल नुकसान दे रही है। गेंदा और अन्य फूलों की खेती करने वाले किसान इस समय परेशान है। किसानों का कहना है कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे, न चर्च में अब फूलों की कहीं भी कोई कद्र नहीं है। फूलों को गाय खा रही है और वहीं फूल धूल के समान हो गए हैं। पहले शादियों में बड़ी बड़ी डिमांड आती थी, परंतु अब की बार तो शादियों में भी डिमांड नहीं आ रही है, जिसके चलते फूलों की खेती करने वाले किसान काफी दुखी हैं और उनका कहना है कि लागत भी नहीं निकल पा रही। तो आइए जानते हैं क्या कहना है फूलों को लेकर किसान एवं आड़तियों का। मंदिर भी बंद है, मस्जिद, दुकानें भी नहीं खुल पा रही है, कुछ नहीं हो रहा। और किसान बेचारा खेत में जब फूल हो रहा है तो उसको सोचता है कि तोड़ के मंडी ले चलें, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही। और उसमें तोड़ाई भी जाती है, किराया बढ़ा भी जाता है। मंडी में इस तरीके से फूल बर्बाद हो रहा है कि गाय तक नहीं खा रही है। तोड़ाई कितनी लगती है? तोड़ाई इसकी लग जाती है पूरा, वहाँ से यहाँ तक का खर्चा वाला तोड़ाई सब जोड़ जाड़ के 10-8 रुपये किलो पड़ता है। और यहाँ पर? और यहाँ पर 1 रुपये किलो कोई लेने वाला ही नहीं है। वो बेचारे लेके आ रहा है ये सोच के आते हैं कि कुछ तो मिलेगा। अच्छा, हम यहाँ कोई जब दुकान ही नहीं खुल रही है तो कोई लेने नहीं आ रहा है, तो फिर कहाँ से बिकेगा? बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो, इतना नुकसान हो रहा है कि अभी पहले इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब मद्दा आता था पहले, पर इतना नहीं आता था, तोड़ाई थोड़ा बहुत खर्चा निकलता रहता था। और ये तो मद्दा नहीं है, इसको तो ये बर्बादी कह लो एक तरीके से, कि बिल्कुल बर्बादी है। वैसे फूल कारोबार भाई साहब लाखों रुपये का नुकसान है, एक एक किसान का जो पार्सल पट हो गए। इस साल फिर फसल किया कि अब लॉकडाउन नहीं रहेगा, अब खुलेगा तो हमको वो घाटे कवर करेंगे, लेकिन फिर ये लॉकडाउन हो गया, किसान बुरी तरह से और परेशान और पीड़ित हो गया। और हर आदमी किसान तो इसी आस पे रहता है कि फिर कल सूरज निकलेगा। और फिर जो दिन सही आएंगे, फिर 2 पैसे कमाएंगे, बच्चों में खुशहाली आएगी, लेकिन ये लॉकडाउन है, किसान को तो बहुत बुरी तरह से तोड़ रख दिया है। और ये कच्चा माल है, इसे रोक नहीं सकते। ये तो फूल है, बिक गया तो फूल, नहीं तो धूल है। करीबन 50,000 रुपये की बिक्री थी, जो घटके 5,000 भी छोड़ के 500 रुपये ना थी। बालूगंज में अब ये देखो कि अब फेंकना पड़ता है, फूल फेंकना पड़ता है, किसान ले आते हैं, अब क्या करेगा किसान लाके? देखो कचरा हो रहा है पूरा, अब किसान लाता है, पेट्रोल भी खर्च करता है, अब उसको फिर लेके जाएगा तो उसको क्या करेगा? वो यहीं छोड़ जाता है, गाय वगैरह खा लेती है। और बाकी का आपको पता है, शादी वगैरह बंद चल रही है, नहीं बनना आज के टाइम में फूल, एक फूल ही पैदा ना होता इतना फूल आता था और पूरा बिकता था। अब ये फूल फेंका फेंका डोल रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, बेदर कीमत होगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम बंटी शर्मा है। कैसे पड़ा हुआ है? आज सर ये बिक्री हो रही नहीं यहाँ पर, मंदिर में जब सब बनते हैं इस वजह से ये नहीं छोड़ जाते हैं, किसान तोड़ के लाते हैं, बिकती आस लगती है कि बिक जाएगा, बच्चों तोड़ देते हैं खर्चा पानी के लिए, नहीं निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, बहुत नुकसान होगा। हाँ बहुत नुकसान। क्या नाम है आपका? गज्जन सिंह।